हैं और एग्जिट पोल जारी होने पर इंदौर की जनता की आखिर प्रतिक्रिया क्या है? इंदौर की जनता एग्जिट पोल को लेकर क्या रुझान रख रही है? एनडीटीवी टीम ने जाना। पोल पर तो कोई भरोसा नहीं है, उनको तो बीजेपी पे ही भरोसा है। ग्वालियर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से मैंने 4 सीटें देखी है कि 90-10 का रेशियो आ रहा है, कहीं 70-30 का आ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ज्यादा ऊपर है। तो मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस का ज्यादा आना चाहिए, और अगर बीजेपी आती है इस बार तो सीएम का चेहरा बदलना चाहिए। इस बार भी अगर कांग्रेस का बता रहा तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस आ सकती है, मगर नी के बरोबर है, क्योंकि इस बार जो शिवराज मामा की जो लाडली बहना की योजना चली वो सक्सेस है। मैंने अभी अधिकतर देखा है कि कांग्रेस हर बार कांग्रेस आती है ओपनर बोल में, मगर मैंने आज तक उसको जीतते हुए नहीं देखा है। इस बार 50-50 का चांस है, क्योंकि 4 बार मौका मिल गया शिवराज मामा को। इस बार बहुत कड़ी टक्कर है, क्योंकि व्यापम में भी बहुत शिवराज सरकार में घटोला हुआ है, हर युवा पढ़ा लिखा है और बहुत तकलीफ आ रही है। और इंदौर शहर में 9 विधानसभा में, यहाँ का लोकली हूँ, यहाँ भी 4 और 5 का है, 5 बीजेपी तो 4 कांग्रेस, बहुत टक्कर का मैच है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।